ओफो भाई, आप लोग कर क्या रहे हो बेबे? देर क्यों कर रहे हो? पार्टी शुरू करो भाई। अरे करते हैं, नील और नीला को तो आ जाने दो। लीजिए, मैं तो आ गई। अरे माँ, आप क्यों लेकर आए पटाखे? हम तो पहले ही ला चुके हैं। क्या मैं मिष्टी के लिए पटाखे नहीं ला सकती? हाँ मिष्टी। लाइए ये डब्बा मुझे दे दीजिए, क्योंकि बेबे ने पटाखों का डिपार्टमेंट ना मुझे सौंपा है। निवास मेहता जी, लगता है कि आपका मूड बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ माँ, अच्छा है, आज सबका मूड अच्छा होना चाहिए। सबका मूड बिगाड़ने वाली, सबको टेंशन देने वाली को आज तो मैंने इस घर से निकाल ही देना है। अब मैं ये रख के आती हूँ। हाँ बैठो ना, जल्दी खत्म कर। आइए पापा जी। सॉरी जूही। नहीं आंटी, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? मुझसे ही धक्का लगा, गलती तो मेरी थी, मेरा ही ध्यान नहीं था। आंटी मुझे आपसे कुछ बात भी करनी है। आप दरअसल मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। चलो कमरे में चलते। हाँ ओ भाई, ये रहे दिवाली के उत्सव के लिए। इतने भारी है कि मैं संभाल भी नहीं पा रहा इसे। बताओ। भागो भागो भागो, जाओ सुप्पू बहन के पास। मेरे लिए गिफ्ट कहाँ है? ये ढेर सारे गिफ्ट आपके लिए तो है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि आज का दिन स्पेशल है और आप स्पेशल हैं। और एक और इंसान स्पेशल है, पूछो कौन? कौन? एंजल। और एंजल की इस घर में आज पहली दिवाली, आपको पता है? गाने पे आप लोगों ने कमाल का डांस किया। कितनी अनोखी जुगल बंदी है तुम तीनों की। बिल्कुल तुम्हारी अनोखी आवाज की तरह बंदू। और जब तुम बहुत बड़ी सिंगर बन जाओगी ना, तो अपनी सहेलियों को भूल मत जाना। और क्या पता तुम्हारे सुरों के इस सफर में तुम्हें कोई हम सफर मिल जाए। शर्मा रही है। बातें कुछ अनकही सी, कल से रात 9 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। आंटी मैं जानती हूँ आप कल की बात से मुझसे बहुत नाराज हैं। मैं आपसे कल के लिए सॉरी। जूही नहीं, चुप, बिल्कुल चुप। मैं बड़ी हूँ ना, इसलिए सबसे पहले मैं कहूँगी। नहीं जूही, जूही आई एम सो सॉरी, गलती मेरी ही है। दरअसल मैं हूं ही ऐसी, थोड़ी सेल्फिश हूं, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम यहां से चली जाओ, पर ऐसे नहीं। मैं नफरत थोड़ी ना करती हूं तुमसे, लेकिन कल जो कुछ भी हुआ उससे थोड़ी सी टेंशन तो बेटा मुझे भी हो गई है। आंटी उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो एक्चुअली नील आया ना मेरे सामने, मैं इतना डर गई, मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या बोलना है। आप सही कह रही थी आंटी, मुझसे ही समझने में गलती हो गई। अरे बेटा तुमने ऐसे सबके सामने क्यों कहा कि मैंने तुमसे यहाँ से जाने के लिए कहा है? मैंने तो सिर्फ तुमसे ये पूछा था ना कि तुम मिष्टी के साथ जाना चाहती हो क्या कनाडा। मैंने तो तुम्हें कहा था कि तुम एक स्ट्रांग वुमन होना पड़ेगा, तुम एक माँ हो। पर तुमने सबके सामने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हें कह रही हूँ यहाँ से जाने के लिए? मैं बहुत नर्वस हो गई थी। I'm sorry। झूठ बोली थी ना तुम सबके सामने? आंटी पर मैं झूठ बोलना नहीं चाहती थी, वो पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गया, मुझसे गलती हो गई। चलो कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि तुम डर की वजह से ऐसे बोल पड़ी सबके सामने। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम हालात से मजबूर हो जूही, और तुम ये सब नहीं करना चाहती थी, और तुम अभी ऐसे वापस आई हो तो फिर बेटा तुम्हारे
तुम्हारे मन में कोई खोट तो नहीं है ना? नहीं आंटी, मेरे मन में कोई खोट नहीं है। मैं वापस इसलिए आई क्योंकि मैं मिश्री के बिना नहीं जाना चाहती थी। बस रोना नहीं, चुप, बिल्कुल चुप। मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। चलो बाहर जाओ, सब लोग वेट कर रहे हैं। अरे आज हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशी का दिन है, तो रोना नहीं ना। थैंक यू आंटी। अब रोना नहीं बिल्कुल भी, चल जाओ, मैं अभी आती हूँ। हाँ ये हुई ना बात श्वेता, आखिर जूही ने अपना सच कबूल कर ही लिया। अब देखना जूही, अब आएगा असली मजा। श्वेता जी बेबे। यार कितना टाइम लेगी? हाँ हाँ आई बस बेबे, आई मैं। हाँ हाँ लेकर आ रही हूँ। भगवान ये बेबे बिना आ रही हूँ।